दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इजजेट और एफजेड सेम इंजन होने के बावजूद भी एक का टॉप स्पीड दूसरे से ज़्यादा है, या फिर एक अच्छा क्रूज कर लेता है दूसरे की कंपैरिजन में? दोस्तों, अभी पहला फैक्टर तो कार्बोरेटर हो ही जाता है, जिसके लिए दोनों बाइक्स का पावर में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ कार्बोरेटर ही अकेला ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पर यामाहा ने यहाँ पर आप लोगों को ट्रिक कर दिया है या फिर हम लोगों को ट्रिक किया है। यहाँ पर फिफ्थ गियर रेशियो में चेंजेस की गई है, जिसके लिए एक बाइक फिफ्थ गियर में यहाँ पर थोड़ा सा कम भागता है, इसलिए SZR का फिफ्थ गियर और फोर्थ गियर में आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप देख सकेंगे कि फिफ्थ गियर रेशियो FZ में ये है और SZR में ये है, यानी कि फिफ्थ गियर व्हील जो है और पिनियन गियर जो है दोनों FZ और SZ में डिफरेंट है। और एक बात अगर आप जानते नहीं हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों बाइक का फ्रंट स्प्रॉकेट का जो साइज़ है वो सेम है, दोनों ही 14 टीथ का है, लेकिन शैफ्ट का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है, क्योंकि FZ में थोड़ा सा छोटा साइज़ का आपको शैफ्ट देखने को मिलता है पर SZR में थोड़ा सा बड़ा साइज़ का। और ये दोस्तों इंटेंशनली यामाहा ने की है ताकि दोनों बाइक्स में एक डिफरेंस क्रिएट की जा सके, आप FZ का स्प्रॉकेट ला के SZR में बैठा ना सके, क्योंकि बाइक तो वैसे काफ़ी कैपेबल है पर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाता है 80-90 के अबव में जाके, जहाँ पर FZ 80-100 के बीच में आसानी से क्रूज कर सकता है, टॉप में 110-120 तक जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम समहाउ ये गियरिंग को चेंज करें तो ये SZR भी अच्छा एक क्रूजर बाइक हो सकता है। FZ का ड्राइव एक्स अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, सामने में 14 टीथ के जगह पर हम 13 टीथ लगा सकते हैं, 15 टीथ लगा सकते हैं। अगर आप स्टंट करना चाहते हैं तो आपके लिए छोटा फ्रंट पॉकेट ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप लॉन्ग राइड्स में क्रूज़ करना चाहते हैं, हाईवे में अच्छा जाना चाहते हैं तो आपके लिए 15 टीथ स्पॉन्ज पॉकेट बेटर होगा, जैसे कि होंडा यूनिकॉर्न में 15 टीथ स्पॉन्ज पॉकेट के साथ आता है, इसलिए वो बाइक काफ़ी अच्छा रन करता है मिड RPM में, उसका टॉप लो RPM उतना अच्छा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, स्प्रॉकेटिंग चेंज करने से, गियर रेशियो चेंज करने से आपका पावर जो है वो RPM रेंज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि आपको एक्स्ट्रा कोई पावर मिल जाता है, पावर वही रहेगा आपका जितना पावर आपका बाइक में है, 12 BHP, 14 BHP, 16 BHP, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, यही प्रोजेक्ट से मैं बहुत सारे दिनों से इंतज़ार कर रहा था करने के लिए, और मुझे खुशी हो रहा है आपको बोलने में कि आज मैं ये करने वाला हूँ। तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये चीज़ है, ये है FZ का ड्राइव एक्सल, ये ड्राइव एक्सल हम लोग चेंज करेंगे और चेंज करेंगे फिफ्थ गियर और फिफ्थ पिनियन गियर, यानी कि दोनों ही चीज़ चेंज कर देंगे, जो फिफ्थ गियर यानी कि इंजन का इंटरनल्स जो है हमारा बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगा FZ में। मुझे मदद किया है ज्योति सेम जॉर्ज और केराला यामा SZR ग्रुप जो है उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है यहाँ पर, सो बिग शाउट आउट फॉर ज्योति सेम जॉर्ज एंड थैंक्स ब्रो फॉर सेंडिंग मी दिस ओवर। एंड इसी के साथ आपको मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ को बारे में दिखाऊंगा और पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है, पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं कि कैसे एक एक चीज़ आपको करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी आपको कहा होगा कि इंजन एक बार खोलने से फिर न्यूज ऐसा नहीं होता है, पूरा गॉसिप है, एक इंजीनियरिंग वहाँ पर बैठ के कर रहा होता है, कोई ऐसा बात नहीं है, रोबोट्स आके असेंबल नहीं करता है हमारा इंजिन, वो सब बिग इंजिन होते हैं, फिर भी कुछ चीज़ें ह्यूमन से ही की जाती है अभी तक, ठीक है, पूरा रोबोटिक सिस्टम नहीं है। अगर आप प्रिसीशन से ये सारे काम करते हो तो आप भी रिजल्ट एज अ फैक्ट्री फिटेड बाइक की तरह ही आपको मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं और ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है। ये जो आपको दिखाया मैंने अभी ड्राइव एक्सल, इसका कॉस्ट है 728 रुपीज़, और जो गियर्स है वो 300-400 के पास प्राइस है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं और यामाहा में जाके आप ऑर्डर दे के भी खरीद सकते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, इससे आपका बाइक का पावर तो FZ के जैसा नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कार्बोरेटर में डिफरेंसेस है और इंजन के इंटरनल हूबहू सेम है, एकदम सेम टू सेम, सिर्फ फिफ्थ गियर में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की गई थी, जो कि हम अभी कुछ जस्टिस करने वाले हैं हमारे FZ के साथ। ये सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आपको आपके बाइक से प्यार है, मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस जेन्युइन फॉलोअर्स चाहिए, आप जैसा जो लोग नीचे कमेंट करते हैं, बिग शाउट आउट फॉर देम जो लोग रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं, उसके पास कोई भी बाइक है पर मुझे फॉलो करते हैं, थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग, और एक दिन हम ज़रूर व्यूज लाते रहेंगे, ये मेरा उम्मीद है, ठीक है, चलिए।
तो अभी मेरा बाइक में चलते हैं, अभी एक एक करके पार्ट कवर करेंगे, एक वीडियो में पूरा नहीं रखेंगे, धीरे धीरे करके करेंगे। साइमल्टेनियसली हम एग्जिट और एग्जिट को खोलेंगे। तो दोस्तों ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि मैं क्या करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ के बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अभी डिटेल वीडियो आने वाला है, तो ज़रूर देखते रहना वीडियोज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट टेक केयर एंड बाय।